स्किन इन्फेक्शन, दर्द, बुखार की दवाइयां अब सस्ती होंगी। दरअसल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 18 नई दवा फॉर्मुलेशन के दाम तय किए हैं। इसके अलावा 23 दवाओं पर कैपिंग भी लगाई गई है। सरकार की ओर से इस बारे में अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्मुलेशन तय करने का मतलब यह हुआ कि अब दवा कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा कीमतें नहीं वसूल सकेंगी। ज्यादा खबर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अमरीश पांडे हैं। अमरीश, कौन कौन सी दवाइयां सस्ती हो सकती हैं? साथी देखिए, जो एनपीपीए का नोटिफिकेशन वो स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि 23 दवाओं के दाम तय कर दिए हैं, कि सरकार जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बनाती है उसमें लगातार रिवीजन होते रहते हैं। जिस तरह के लोगों की प्रैक्टिस है, जिस तरह के दवाओं की मार्केट में जरूरत होती है, उन दवाओं को लगातार रिवाइज करती रहती है। और उसी सिलसिले में सरकार ने 23 नई दवाओं को प्राइस कैपिंग कर दी है, यानी कि इन दवाओं को उस कीमत से ज्यादा नहीं बेचा जा सकता है। और इनमें स्किन इन्फेक्शन, दर्द, बुखार, सांस से जुड़ी हुई समस्या की जो इन्फेक्शन की दवाइयां है वो, इसके अलावा ग्लूकोमा की दवाई है, यानी कि आंखों में जो काला मोतिया होता है उसकी दवाई है। और सरकार का ये कहना है कि जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, इन दवाओं के दाम इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, और सरकार ने उसको फिक्स कर दिया है। इसके साथ 18 नए फॉर्मुलेशन, जो कि नए R&D के बाद दवाइयां कंपनियां जारी करती हैं, उन नए फॉर्मुलेशन की भी कीमतों को सरकार ने फिक्स कर दिया है। इसका मतलब ये साफ है कि आने वाले दिनों में इन 18 जो फॉर्मुलेशन है उन पर जो बनकर दवाइयां बाहर आएंगी, बाजार में आएंगी, उनकी भी कीमतें तय होंगी, उनकी उससे ज्यादा कीमत नहीं वसूली जा सकती है। इस पूरे नोटिफिकेशन में एक और बात गौर करने की, इस की जो सरकार ने दाम तय किए उससे अतिरिक्त मात्र GST ही इस पर लगाया जा सकता है। अगर कंपनी ने इन सबकी पूरी प्रोसेसिंग के दौरान उसको पे किया होगा तो GST इस पर वसूला जा सकता है, वरना जो कीमतें तय की गई है वो कीमत से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ जाएगा। जो नोटिफिकेशन वो साफ शब्दों में ये भी कहता है कि 15 दिनों के भीतर पूरी जो चेन है, यानी कि कंपनी से लेकर रिटेलर तक की पूरी चेन को ये जानकारी देनी होगी कि दामों में ये कमी की गई है, और उसी दाम पर ही दवाइयां आगे बेची जानी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, ये कंपनियों का दायित्व है। तो सरकार का पूरा फोकस ये है कि अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर ऑल, ये सबको लगातार मिलता रहे, जो हेल्थ केयर है वो सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, और इसी क्रम में सरकार ने प्रयास किया है। जी धन्यवाद करेंगे अम्बरीश इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए।